हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट वीडियो। जो हमारा लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, 1 to 5 सम, फिफ्थ सम किए थे, फिफ्थ सी एक्सरसाइज के। अब उससे जो नेक्स्ट सम है आज हम वो करेंगे। इसमें हमें क्या दे रखा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मीन्स क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 3,02,005 में से, कि हमें कितना मिले, 1,25,040। मीन्स इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया कि हमें 5 नंबर दिया गया, इसमें से क्या नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें कि इधर हमारा 3 हो। तो क्या करेंगे हम, 5 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें यही चीज पूछी गई है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन सेकेंड नंबर हमें बताया गया है। तो सेकेंड हमारा क्या है, जो हमारा ये नंबर है, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है, इसमें से हम अगर जो हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें वो नंबर मिलेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एज इज 5, 0 में से 4 नहीं जा सकता तो यहाँ से हम 1 बोरो लेंगे। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 का 9 एंड 11 में से 5 गया 6, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 2 में से 1 गया इधर 1, ठीक है। इट मीन्स हम जब ये नंबर है जो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है, ठीक है। हमें क्या बोला गया है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 1,25,040 नंबर मिले। अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ वेरीफाई के लिए बारे में, जैसे ये नंबर है इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो क्या है, 1,76,965। तो 0, 10 में से 4 गया इधर, 9 में से 9 गया इधर 0, यहाँ 11 में से 6 गया इधर 5, 9 में से 2 गया 7 एंड 2 में से 1 गया 1। हमें निकालना क्या था कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें वो मिले। इट मीन्स हमारा ये जो नंबर था जो हमने फाइंड आउट किया है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 1,25,040 नंबर मिलता है। सिर्फ हमें यही फाइंड आउट करना था, ये सिर्फ वेरीफाई के लिए है, सिर्फ इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें 8 समय क्या ढूंढ रखा है। बाय हाउ मच इज 1,13,052 ग्रेटर देन 90,486, ठीक है। इसमें से हमें क्या, जैसे फर्स्ट था जिसमें वो हमें हरी और आदि का हमें क्या बोला गया था कि कितना ज्यादा है हमें वो फाइंड आउट करना था, तो इसमें हमें ये नंबर गिवन है तो इसमें बताना ग्रेटर देन 90,486 मीन्स ये इससे कितना बड़ा है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमें वो नंबर दिया गया है 1,13,052 में से हम 90,486 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा कि ये नंबर कितना बड़ा है इससे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 में से 6 नहीं जा सकता तो 1 बोरो लेंगे तो 12 में से 6 गया इधर 6, यहाँ कितना रह जाता है 4, यहाँ से बोरो लेंगे तो 14 में से हमारा 8 गया इधर रह जाता हमारा 6, इधर कितना रह जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 एंड 11 में से 9 गया इधर 2, मीन्स 22,566 नंबर बड़ा है ये इस नंबर से, ठीक है। अगर हमें कोई भी ये चीज बोला जाए कि इन दोनों को मिलाने के बाद कितना मिलता है, अगर हमें ये नंबर फाइंड आउट करना होता तो हम इस नंबर को इस नंबर इन दोनों नंबर को ऐड कर देते तो हमें वो थर्ड नंबर मिल जाता। अब देखते हैं नाइन्थ में हमें क्या बोलना है, उनका समझ आ गया कि बाय हाउ मच इस मीन्स ये नंबर है, ठीक है, ये सेकेंड नंबर से कितना बड़ा है, हमें सिर्फ इतना फाइंड आउट करना था। तो ठीक है, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या करना है। नाइन्थ है, ट्वेल्व थाउजेंड 340 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, मीन्स एक नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है।
gives. इतना मिलता है 95,267. What is the number? ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द नंबर मींस किस नंबर में से हम क्या है ये 12,340 को सब्ट्रैक्ट करें, हमें कितना मिले 95,267. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे. ठीक है, कि हमें यही तो निकालना है कि किस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 95,267 में से हम क्या है 12,340, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे हमारा वो नंबर मिलेगा जिसमें से हमने 12,340 को सब्ट्रैक्ट करना है और हमें 95,267 मिलेगा. अब कैसे करेंगे, इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना है 7, 6 को और 4 को ऐड करेंगे, हाई जो 0, 6, 7 एंड 10 मींस हम 1,07,607 में से अगर हम 12,340 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है 95,267. दोबारा देखते हैं, इसमें क्या है कि इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है किसी एक नंबर में से. ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं इक्वेशन जो बनती है. ये नंबर है एक्स मान लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है 12,40 को और हमें मिलता कितना है. ठीक है, इतना समझ आया क्या करना है, जो भी हमें नंबर है हम उसको लेट कर लेते हैं, जो हम इक्वेशन बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. इसके बाद क्या, यहाँ पे माइनस में मीन्स नेगेटिव है, बट जब ये इक्वल टू के इधर जाता है तो ये हमेशा साइन चेंज होता है, तो एक्स हम इधर का इधर रख देंगे. उसके बाद ये कितना है, इसमें हम किसको ऐड करेंगे, 12,340 को हम इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, ऐड करने के बाद हमें मिल जाता है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम, टेंथ सम में हमें क्या दिया है, मैं समझ आ गया. अब टेंथ सम में देखते हैं, जूली हैंड एट लाख 20,100. ठीक है, उसके पास पैसे हैं इतने. उसके बाद है आफ्टर सी बोट ए कार, मीन्स एक कार खरीदती है वो, ठीक है, कार खरीदने के बाद उसके पास 4,50,000 रह जाते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द कार, ठीक है, इसमें क्या है, उसके पास टोटल रुपीज बताए हमें, टोटल कितने हैं उसके पास 8,20,100 रुपीज. ठीक है, उसके बाद देखो वो कार खरीद लेती है, ठीक है, और उसके पास कितने हैं 4,50,000 रुपए बच जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपीज टोटल हैं, ठीक है, आपने चॉकलेट खरीद ली है, चॉकलेट खरीदने के बाद आपके पास 5 रुपीज बचते हैं. ठीक है, तो अब ये बताने कि चॉकलेट कितने की थी, तो कैसे निकालोगे, जो 10 रुपीज है 10 में से आप जितने की आपने चॉकलेट ली, जितने पैसे आपके पास बचे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई ये दुकानदार ने इसमें से 5 रुपए चॉकलेट के निकाले हैं, बाकी हमें दिए हैं. तो इसमें भी यही चीज है, 8,20,100 रुपीज है. ठीक है, ये मान लो टोटल रुपीज है उसके पास जूली के पास. ठीक है, कार खरीद ली उसने, जितने की भी खरीद ली उसके बाद कार खरीदने के बाद उसके बाद 4,50,000 रुपीज बचते हैं, तो हमें कार का प्राइस निकालना है. ठीक है, मीन्स जैसे आपने चॉकलेट का प्राइस निकाला कि भाई चॉकलेट इतने की थी, इतने पैसे हमें वापस मिल गए, तो अब ऐसे ही निकालना है. तो टोटल सॉल्यूशन में हम देखते हैं इसका, उसके पास टोटल कितना है, टोटल रुपीज कितने हैं,
8,20,100। ठीक है, उसके पास लेफ्ट कितने हैं, मतलब बचता कितना है, 4,50,000। ठीक है, अब करना क्या है, हमें सिर्फ कार की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कार कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो जीरो एलसीटीज, जीरो वन जीरो, या टू में से फाइव नहीं जा सकता तो वन यहां से हम बोरो लेंगे, तो ट्वेल्व में से फाइव गया इधर सेवन, सेवन में से फोर गया इधर थ्री, मीन्स 3,70,100 रुपीज की क्या थी, कार का प्राइस था, जो उसने मतलब 8,20,100 रुपीज उसके पास थे, उसमें से उसने जो था 3,70,100 रुपीज की कार ले ली है। उसके बाद उसके पास कितने बचते हैं, 4,50,000 रुपीज उसके पास बचाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इलेवन समय हमें क्या बोला है, जोगिंदर है। ठीक है, बॉट ए प्लॉट, एक प्लॉट खरीदता है, ऑफ लैंड, उसका प्राइस कितना है, 4,50,000। उसके बाद है एंड सोल्ड इट लेटर, उसके बाद वो बेच देता है उसका, सिक्स लाख 80,575। ठीक है, क्या है, वो 4,50,000 में उसको खरीदता है, उसके बाद वो 6,80,575 उसको बेच देता है। ठीक है, अगर आप ये मान लो 5 रुपए की आप क्या लेके आए हो, पेंसिल लेके आए हो, आपने किसी फ्रेंड को बेच दिया वो 10 रुपीज में, ठीक है, डबल प्राइस दिया आपने, तो क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, मीन्स आपको पैसे ज्यादा मिले हैं ना जी, पांच में आपने खरीदी थी और 10 में बेच दी है, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मीन्स यह जो आपको फायदा होता है, मतलब जो आपको कैशबैक मिलता है, इसमें ये चीज बोला गया है कि इसने क्या है, प्लॉट खरीदा है 4,50,000 में। ठीक है, उसके बाद उसने उसको बेच दिया है 6,00,000। अगर आपको, अगर नंबर आपकी जो नंबर है उसको छोड़ो, सिर्फ इतना याद रखो कि 4,00,000 में वो खरीदता है, 6,00,000 में वो क्या करता है, उसको बेच देता है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ हमें ये निकालना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 6,00,000 है उसमें से 4,00,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखते हैं हम क्या करना है, वट वॉज हिज प्रॉफिट। ठीक है, कि उसका प्रॉफिट कितना था, मीन्स उसको कितने पैसे मिले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले क्या है, बेचता है वो, तो पहले कितना खरीदता है, 4,50,000 कितने में खरीदा है, 4,50,000 में। ठीक है, उसके बाद सोल्ड कितने में किए हैं, 5,75,000। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, पहले क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस है, जिसमें बेचा है, उसमें से उसका कॉस्ट प्राइस है, जिसमें उसने खरीदा था, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है, अब हमारे पास कितना है, 6,80,575 है, और खरीदा कितने में था, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5,75,032, मीन्स 2,30,575 का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जो भी, अगर कोई भी सम है किसी भी नंबर के पीछे, कोई भी यूनिट है, मीन्स 20 किलोमीटर है, मीटर है, रुपीज है, पैसे भी है, जो भी अगर उसके पास पीछे लगा हुआ उसके साथ में है, तो उसको सम में जब भी आप आंसर फाइंड आउट करते हो उसको साथ में ही रखना है। ठीक है, कभी उसको लीव नहीं करना है।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम, 12th सेम में हमें क्या दे रखा है। इतना समझ आ गया कि उसने 4,50,000 में वो खरीदता है, उसको 6,80,000 में बेचता है, तो अब ये देखना है कि उसको प्रॉफिट कितना होता है। तो जितने में उसने बेचा है उसमें से जितना उसने खरीदा है, ठीक है, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब सेकंड में हमें जो इसका 12th सम है, 12th सम में है कि सीमेंट का प्राइस बताया, मतलब सीमेंट बताइए कि उसको कितनी चाहिए, कितनी कम रह गई है। 12th सम आप आफ्टर प्रैक्टिस आप खुद ट्राई करोगे, आई होप आपको इतनी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। 12th सम आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद सोल्व करोगे, अदरवाइज फिर भी नहीं निकलता है तो आप, मैं नेक्स्ट आपको समझा दूंगी, ठीक है। तब तक आपने पहले वीडियो को देख के फिर ट्राई करना है 12th सम। थैंक यू।